आपका उद्देश्य क्या है? योना की किताब 3 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। थोड़ी सी ज्योति बहुत से अंधकार को मिटा देती है। तुम पृथ्वी का नमक हो। नमक थोड़ा सा होता है और वह बहुत से भोजन को प्रभावित कर देता है। थोड़े से नमक के समान तुम थोड़े से चुने हुए लोग हो, परंतु तुम्हें इस संसार को अपने स्वाद से प्रभावित करना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम इस संसार में परिवर्तन लाने के लिए भेजे गए हो। इस तेजी से बदलते हुए संसार में परमेश्वर के लोगों के रूप में हम एक परिवर्तन कैसे ला सकते हैं? यदि हमें परिवर्तन लाना है तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। इस संसार में आने के अपने उद्देश्य को क्या आप एक वाक्य में व्यक्त कर सकते हैं? हो सकता है कि कोई मसीही शिक्षक हो जो कहे कि मेरा उद्देश्य यह है कि मैं अपने छात्रों के जीवनों में अपने जीवन, अपने परिश्रम, अपने व्यवहार से प्रभु यीशु मसीह की छाप छोड़ कर जाऊँ। हो सकता है कि कोई मसीही चिकित्सक कहे कि मेरा उद्देश्य यह है कि अपने जीवन से, अपनी सेवा से प्रभु यीशु मसीह की शारीरिक और आत्मिक चंगाई की गवाही निरंतर देता रहूं। मेरे और आपके जीवन का क्या उद्देश्य है? क्या हम जानते हैं? क्या हम उस उद्देश्य को एक वाक्य में प्रकट कर सकते हैं? नीति वचन में लिखा है कि जहां उद्देश्य नहीं होता, जहां दर्शन नहीं होता, वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वह कहते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इस संसार में आया हूँ कि लोगों को उद्धार मिले, पापों की क्षमा मिले, यही मेरा उद्देश्य है। पर्वतारोहियों के जीवन में और उनकी एकाग्रता से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पर्वतारोही का एक उद्देश्य होता है कि उसे उस चोटी तक पहुँचना है। आज यदि हम इस संसार में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो हमें भी अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करना होगा। आइए हम सब इस बात के लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मार्गदर्शन दे कि जो योग्यताएं आपने मुझे दी हैं उनके आधार पर मैं आपकी महिमा के लिए अपने जीवन के उद्देश्य का निर्धारण कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। God bless you all.